देखो जी, इस तरह से अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने अपना वेब पेज बनाया है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अंडरलाइन करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। ये कोड आपके सामने लगा दिए है, कोडिंग टाइप कर ली है। अब यहाँ से इसको सीधे क्या करना है, आपने इसी तरह से सेव करना है, और जो भी आपका फोल्डर होगा उसके अंदर इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो, ये बोल्ड है, स्ट्रांग है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, साइज्ड है, नॉर्मल है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। तो इस तरह से ये सारा हमारा क्या हो गया, फॉर्मेटिंग हो गई है। तो इसकी कोडिंग आप अच्छे से देख सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें इसकी। धन्यवाद।